आज का केस एक ऐसा केस है जिसके लिए भारतीय अदालतों को 52 साल लंबा इंतजार करना पड़ा है। यदि यह फैसला पहले आ जाता तो पता नहीं अंधेरी कोठरियों में बंद कितने कैदी वहां पहुंचने से बच जाते। दबंग पुलिस ने कई लापरवाह जजों ने इस कानून का इस्तेमाल कैदियों को जेल में ठूंसने के लिए किया है। आरोपी का कबूलनामा लिखवाया गया कि जिस तलवार से मारा गया है मैं उसे बरामद करवा सकता हूँ, मैंने प्रोसिक्यूटरिक्स के खतों को बक्से में बंद कर रखा है और चलकर बरामद करवा सकता हूँ। इस तरह पुलिस ने अपराध और बरामद माल को संबंधित दिखाकर आरोपियों को सजा करवाई है। हालांकि अंग्रेजों के राज में 1947 में तब की प्रिवी काउंसिल ने सेक्शन 27 पर सही फैसला दिया था और इस फैसले को आप लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं। पुलुकुरी कोटैया वर्सेस एम्परर AIR 1947 प्रिवी काउंसिल 67। इसमें आरोपी ने कहा था कि मैं वह चाकू ला सकता हूं जिसे मैंने घायल को मारा था, वह मेरे घर की छत में छिपा हुआ है। प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि इसमें से केवल इतना ही तथ्य एडमिसिबल होगा कि मेरे घर की छत में चाकू छिपा हुआ है, यह एडमिसिबल नहीं होगा कि इससे मैंने उसको घायल किया था। लेकिन आज की अदालतों ने यह कानून का बिल्कुल आधारभूत वाक्य भुला दिया और पूरे केस को ऐसे कन्फेशन से हल करना शुरू कर दिया। आज की केस का नाम है अल्लाह रखा हबीब मेमन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, क्रिमिनल अपील नंबर 2828 और 2829 ऑफ 2023 थी, जिन्हें जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने अभी 8 अगस्त 2024 को डिसाइड किया है। इस केस में आरोपी नंबर एक अल्लाह रखा व मृतक के बीच पानी की सप्लाई को लेकर झगड़ा हो गया था। प्रोसिक्यूशन का आरोप है कि कुछ दिनों के बाद 4 मई 2011 को रात लगभग 8 बजे आरोपी ने अपने साथियों के साथ हथियारों के द्वारा मृतक पर हमला किया। हमले में मृतक मर गया। बाद में पुलिस IO ने आरोपी के खून आलूदा कपड़े और वे हथियार बरामद कर लिए जिसके द्वारा मृतक को मारे जाने का आरोप था। इन हथियारों को बरामद करने के बाद FSL में भेजा गया तो FSL की रिपोर्ट के अनुसार इन हथियारों के ऊपर मृतक का खून पाया गया। ट्रायल कोर्ट ने इस एविडेंस पर बहुत अधिक विश्वास किया और आरोपी को मर्डर के आरोप की सजा कर दी। हाई कोर्ट में अपील की गई तो हाई कोर्ट ने अपील खारिज करके ट्रायल कोर्ट के निर्णय को कंफर्म कर दिया। इसके बाद आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि पूरा केस उपरोक्त रिकवरी के ऊपर टिका हुआ है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने बाखुशी चलकर कपड़ों तथा उन हथियारों को बरामद करवा दिया जिनके ऊपर मृतक का खून है। इसी हथियार के द्वारा आरोपी ने मृतक के ऊपर हमला किया था। FSL द्वारा उन कपड़ों पर तथा हथियारों पर मृतक के खून लगे होने की पुष्टि की गई है। आप जब हमारे मेंबर बनकर अपने केस के PDF कागजात हमको भेजेंगे तो हमारे एडवोकेट्स की टीम उन कागजात को पढ़कर आपके केस की एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसमें आपके केस की वर्तमान स्थिति और संभावित भविष्य बताया जाएगा, वैशिंग और डिस्चार्ज पर बताया जाएगा और मेंबर्स को यह मुफ्त बताया जाएगा। आपको ध्यान यह रखना है कि पूरे केस के कागजात साफ साफ और पढ़ने योग्य हो। चादर बिछाकर मोबाइल से PDF बनाने पर उनको पढ़ना कठिन होता है। जितना पढ़ने में आसानी होगी रिपोर्ट उतनी ही अच्छी बन पाएगी क्योंकि पूरा ध्यान कानून पर रहेगा। केस में कोई कठिनाई आने पर या पर्याप्त कानूनी सलाह के अभाव में परेशान होने पर आप हमारी रिपोर्ट से जानकारी और स्पष्टता दोनों पा सकते हैं, बिना कोई खर्च किए हुए पा सकते हैं। बस ध्यान रहे कि कागजात पूरे भेजें और साफ व पठनीय भेजें। चीजों को सरल करने के लिए हम सबसे पहले यह समझते हैं कि एक डिस्क्लोजर स्टेटमेंट का कानूनी मतलब क्या होता है। वास्तव में एक कानूनी सिद्धांत है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ कन्फर्मेशन बाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स कहते हैं। इसमें पहले एक बात बोली जाती है जिसे आरोपी का कन्फेशन कह सकते हैं। इस कन्फेशन में कही गई बात के अनुसार जांच की जाती है और जांच में एक भौतिक वस्तु जैसे वेपन ऑफ ऑफेंस की प्राप्ति होती है। होता यह है कि आरोपी ने कहा कि मैं हथियार बरामद करवा सकता हूं, इसे उसका कन्फेशन कहा जाता है और कन्फेशन के द्वारा जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुई
कि हमें वह हथियार बरामद हो गया, इसे डिस्कवरी ऑफ फैक्ट यानी कि सेक्शन 27 की रिकवरी कहा जाता है। सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। सेक्शन 25 इंडियन एविडेंस एक्ट के मुताबिक पुलिस अधिकारी के सामने किया गया कन्फेशन कोर्ट में मान्य नहीं होता। सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी की कस्टडी में आरोपी के द्वारा किया गया कन्फेशन भी मान्य नहीं होता। और दोनों बातों के बाद में एक नया सेक्शन लिखा है, सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें लिखा गया है कि पुलिस कस्टडी में आरोपी के द्वारा किए गए कन्फेशन से भौतिक वस्तु की प्राप्ति होने से उतना भाग जितने भाग से भौतिक वस्तु की प्राप्ति हुई आरोपी के खिलाफ उसको पढ़ा जा सकेगा और उसको कोर्ट में साबित किया जा सकेगा। इसी को हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट कहते हैं। डिस्क्लोजर माने चीजों को खोल के बताना। और इस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के बाद में एक भौतिक वस्तु जो आमतौर से वेपन ऑफ ऑफेंस होती है उसकी प्राप्ति होती है। यह कन्फेशन का कानून नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बदला नहीं गया है, बल्कि इंडियन एविडेंस एक्ट के तीनों सेक्शंस 25, 26 और 27 को एक साथ मिलाकर बीएसए में एक सेक्शन 23 बना दिया गया है। सेक्शन 25, 26 इंडियन एविडेंस एक्ट को सेक्शन 23 बीएसए का भाग एक विभाग दो क्रमशः बनाया गया तथा सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट को सेक्शन 23 बीएसए का प्रोविजो बना दिया गया है। शब्दों या कानूनों के अर्थों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सेक्शन 25, 26 और 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की तुलना सेक्शन 23 बीएसए के साथ की जाए तो आपको यह आसानी से समझ आ सकता है और आप सामने स्क्रीन में देखकर इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस अल्लाह रखा हबीब मेमन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस समय आरोपी ने उपरोक्त खून सने कपड़े व हथियार बरामद करवाए थे वह पुलिस की कस्टडी में था और पुलिस के अनुसार उसने एक कन्फेशन किया था। पुलिस के अनुसार उस कन्फेशन के आधार पर जांच की गई तो भौतिक वस्तुओं कपड़ों और हथियारों की बरामदगी हुई थी। उस हथियार पर मृतक का खून लगा पाया गया था, इसलिए पुलिस कपड़ों और हथियार की बरामदगी को हत्या का सबूत मान रही थी। ट्रायल कोर्ट का मानना था कि सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार हथियारों की बरामदगी एक नए भौतिक तथ्य की खोज है जिससे साबित होता है कि आरोपी ने मर्डर किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, ये बात ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट का मानना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी को आगे आगे चलकर आरोपी के द्वारा मौका वारदात को दिखाए जाने का कोई कानूनी मतलब नहीं है। क्यों कानूनी मतलब नहीं है? पुलिस को पहले से पता था कि किस स्थान को झगड़े का स्थान कहा जा रहा है, तो इसमें खोज या डिस्कवरी नहीं है। आरोपी के स्थान से हथियार मिले थे और पुलिस को पहले से पता था कि ये आरोपी का घर है, ये आरोपी का स्थान है। आरोपी ने कहा अपने घर से सामान बरामद करवा सकता हूं, तो इसमें खोज जैसी बात कहां है? कोर्ट ने आगे कहा कि यह कहना कि आरोपी ने अपने घर से कपड़े हथियार बरामद करवाए यह बात भी सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में साबित नहीं की जा सकेगी, क्योंकि आरोपी का घर और उसमें पड़ा सारा सामान पुलिस की जानकारी में पहले से था। पुलिस द्वारा उसकी तलाशी लिया जाना पुलिस के अधिकार क्षेत्र में था, तो जो काम पहले पुलिस खुद कर सकती थी उसमें आरोपी को बीच में डालकर उस काम को जबरदस्ती सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की डिस्कवरी का रंग देना यह कानून का दुरुपयोग है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की डिस्कवरी मानने से इनकार कर दिया। केस में और भी कई पहलू हैं, लेकिन हमने केवल सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की डिस्कवरी वाला पहलू ही आपके लिए प्रस्तुत किया है। और अब हम समझते हैं कि हम इसके 52 साल के इंतजार के बाद आया कानून क्यों कह रहे हैं। 1969 में यानी कि 56 साल पहले पुराने सीआरपीसी के टाइम में सुप्रीम कोर्ट ने जफर हुसैन दस्तगीर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1969-2 SEC 872 पर चोरी का माल बरामद करते हुए कहा था कि जो स्थान पहले से पुलिस की जानकारी में आरोपी का स्थान है तो उस स्थान से माल की बरामदगी को सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की डिस्कवरी नहीं कहा जा सकता है। यानी कि आरोपी के घर से, उसके कमरे से, उसके ऑफिस से दिखाकर आरोपी पर बरामदगी को चिपकाया नहीं जा सकता है। लेकिन उसके बाद तो जैसे कोर्ट्स इस गोल्डन रूल को भूल ही गए। 50 साल से अधिक समय तक पुलिस ने आरोपियों की खाट के नीचे से कुल्हाड़ी, लाश, प्रेमिका के कपड़े, उसके बॉडी फ्लूइड्स के निशान सब कुछ बरामद किए,
चोरी के जेवरात, गुमशुदा लड़कियां, फर्जी करेंसी नोट, हर एक चीज को सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की डिस्कवरी में बरामद किया गया और कोर्ट ने न केवल वस्तु की स्थिति की जानकारी को माना बल्कि इसी सेक्शन में अपराध की कबूलियत को भी मान लिया। कानून के नाम पर 50 सालों की अंधेरगर्दी के बाद अब सवेरे की रोशनी दिखाई दी है। अब कानून की सही पहचान सुप्रीम कोर्ट ने की है। अब आप पाएंगे कि पुलिस की इस चेष्टा पर रोक लगेगी कि जब भी केस हल न हो रहा हो तो आरोपी के घर से लूट का माल बरामद दिखाकर आरोपी को पहले तो जेल में डाल दो, फिर कोर्ट में गलत तरीके से सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट की रिकवरी लगवाकर उसको सजा करवा दो। लेकिन अब इन जबरदस्तियों के दिन लद गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस काम पर रोक लगा दी है। आप सबको अब चैन की सांस लेनी चाहिए। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहां कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुंचेगी। हम पहुंचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहां फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में ना झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक